दलितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज उठाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने लगभग 100 साल पहले शुरू किया था मूक नायक नाम का एक अखबार। आज का यह वीडियो बाबा साहब की उसी मूक नायक अखबार पर है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इसी मकसद से उन्होंने 31 जनवरी साल 1920 को मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया था। गुलाम भारत में शोषित और वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए उस वक्त कोई अखबार नहीं था और मूक नायक ने इसी कमी को पूरा करने की कोशिश की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर समझ चुके थे कि समाज में किसी भी बदलाव या आंदोलन में अखबार बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। उस वक्त के तमाम अखबारों में अछूतों की समस्याएं या फिर उनके राजनीतिक अधिकारों की बातों को जगह मिलती नहीं थी। स्थापित अखबारों में भी इन मुद्दों को अहमियत नहीं मिलती थी। साल 1917 में साउथ बोरो कमीशन के सामने पेशी के दौरान बाबा साहब को जो परेशानियां हुई उससे यह बात समझ चुके थे। इसी सोच से मूक नायक अखबार का जन्म हुआ, जो अंबेडकर आंदोलन का पहला मुखपत्र था। इस अखबार को शुरू करने की पृष्ठभूमि देखे तो समझ में आता है कि उस समय के मुख्य अखबार जैसे केसरी और दूसरे समाचार पत्रों में शोषित महिलाओं और पिछड़ी जातियों को महत्व नहीं दिया जाता था। इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। बाबा साहब को यह बात खल रही थी। 31 जनवरी साल 1920 को मूक नायक पत्रिका का पहला अंक मुंबई में प्रकाशित हुआ। सदियों से समाज के दबे कुचले वर्ग को, अन्याय सहने वाले वर्ग को अपनी बात कहने का एक जरिया मिल गया। उनकी आवाज उठाने का काम मूक नायक करने लगा। अखबार शुरू करने के लिए जो पैसों की जरूरत थी उसे पूरा करने के लिए कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज आगे आए। उन्होंने 2500 रुपए की मदद की, जिससे मूक नायक छपना शुरू हुआ। अपने पहले लेख में बाबा साहब ने लिखा, हमारे बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए उपाय सुलझाने के साथ ही उनकी भविष्य में उन्नति और आवश्यक मार्ग की सही मायनों में चर्चा के लिए अखबार जैसा दूसरा माध्यम कोई और नहीं है। लेकिन मुंबई इलाके में छप रहे अखबारों पर नजर दिया जाए तो नजर आएगा कि इनमें से ज्यादातर अखबार किसी एक जाति का हित देखने वाले हैं, दूसरी जातियों की उन्नति की उन्हें परवाह नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी उन दूसरी जातियों के लिए अहितकारक विचार भी उनमें आते हैं। उस समय लोकमान्य तिलक का केसरी नाम का अखबार भी था। बाबा साहब उसे अखबार में मूक नायक का विज्ञापन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विज्ञापन के 3 और उसका मैटर केसरी को भेज दिया, लेकिन वह विज्ञापन उन्हें वापस लौटा दिया गया। बाबा साहब समझ गए पैसे देकर भी उनका विज्ञापन नहीं छापा गया, वहां उनके सवालों को कैसे महत्व दिया जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने सहयोगियों को कहा कि अपना स्वतंत्र अखबार होना ही चाहिए। साल 1920 में माड़गांव में परिषद हुई, जहां बाबा साहब के नेतृत्व का ऐलान हुआ। इसी दशक में आगे मनुस्मृति का दहन हुआ, महार का सत्याग्रह भी हुआ। इन आंदोलनों के लिए जमीन मूक नायक से बनी। दलितों की, शोषित वंचितों की समस्या उस वक्त के मुख्यधारा के माध्यम में दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक की शुरुआत की। उनका यह कहना था कि यह जो अखबार थे उस वक्त उन पर किसी विशिष्ट वर्ग या फिर जाति का प्रभाव था। साल 1920 में मूक नायक के समय या फिर बाद के भारत के वक्त बाबा साहब ने जो आंकलन किया, आज के अखबारों में भी वही दिखाई देता है। आज के अखबारों पर भी एक जातीय प्रभाव का असर साफ दिखता है। स्वर्णों का प्रभाव दूसरी पिछड़ी जातियों के संबंध में, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था, जो बाबा साहब ने देखा, आज भी वो स्वर्ण प्रभाव साफ दिखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उस वक्त के अखबारों पर व्यापारियों का और विज्ञापनों का दबाव बहुत है,
इस आर्थिक दबाव को हम आज भी देख रहे हैं। अगस्त साल 2019 में ऑक्सफाइम और न्यूज लॉन्ड्री ने भारत की मीडिया का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज रूम के 121 वरिष्ठ पदों में 106 स्वर्ण, 5 पिछड़ी जातियों से और 6 अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं। टीवी पर डिबेट शो करने वालों में हर 4 में से 3 एंकर स्वर्ण हैं। प्राइम टाइम टीवी डिबेट शो में 70% पैनलिस्ट समाज से आते हैं। अंग्रेजी अखबारों में दलिये या आदिवासी समाज के लेखकों के लेख 5% से ज्यादा नहीं है। हिंदी अखबारों में यह आंकड़ा 10% तक है। न्यूज वेब पोर्टल्स में छपने वाले करीब 72% लेख स्वर्ण समाज के लेखकों के होते हैं। जिन मीडिया संस्थानों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई उसमें 12 पत्रिकाओं के 972 कवर स्टोरी में सिर्फ 10 स्टोरीज जाति से संबंधित विषयों पर थी। ये आंकड़े बयान करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिसका जिक्र कर रहे थे वह स्थिति आज भी वैसी ही है। इसलिए लगभग 100 साल बाद भी बाबा साहब के मूक नायक की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल द बहुजन टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।